नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिद से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर आज नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन और धार्मिक गुरुओं की एक बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को जल्द निकाल लिया जाएगा। अगर प्रशासन द्वारा दिए गए इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो धार्मिक गुरुओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा कॉलोनी की प्लॉट की खरीद फरोख्त पर रोक लगाते हुए उप रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया। वहीं दोनों ही अवैध कॉलोनियों के पत्रावली के संबंध में तहसीलदार हल्द्वानी को भी एक पत्र लिखा गया। प्राधिकरण ने दोनों ही अवैध कॉलोनियों के जमीन के कागजात के संबंध में सही रिपोर्ट, दोनों अवैध कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं। शहर के पटेल चौक के पास से बीती शाम को एक स्कूटी चोरी हो गई। चोर स्कूटी दौड़ाते वक्त हड़बड़ी में कुछ दूरी पर रपट गया और फिर से स्कूटी लेकर भाग गया, जिसकी घटना CCTV में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीती रात को बनभुलपुरा पुलिस गश्त को निकली थी, जिस दौरान घने कोहरे में आधी रात को गश्ती पुलिस टीम की नजर संदिग्ध रूप में घूम रहे एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से अपने पोते का जन्मदिन मनाने हल्द्वानी आए 45 वर्षीय दादा बेगराज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पार्टी की अगली सुबह दादा बेगराज अचानक घर के बाहर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।